वेलकम एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है हमारा स्पेसिफिकली 12 अगस्त की जो हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है इवेंट को होस्ट करने की, किस तरीके से सारा इवेंट चलेगा। सो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पूरी वीडियो को देखना और समझना कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। सभी एडमिन से रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम को अपने ग्रुप में पहले ये सब चीज़ें ब्रीफ कर देना कि कैसे होगा, ठीक है। सो गाइज, ये है अपनी अमरीक सुखदेव की एंट्री, ठीक है। यहाँ से हम लोग आएंगे दिल्ली की तरफ से, इस रोड से। यहाँ से आके इस रोड में, इस पार्किंग में आपने एंट्री करनी है। यहाँ सामने ये जो कट देख रहे हो आप, ठीक है, इस कट के सामने यहाँ पे नो पार्किंग के आगे बोर्ड लगे होंगे जो रिजर्व वाले अमरीक सुखदेव के हैं, ठीक है। उस जहाँ भी वो बोर्ड लगेगा येलो कलर का, उससे आगे आपकी बाइक नहीं जानी चाहिए। ये आप दोनों तरफ ये जो जगह देख रहे हो, इस तरफ और इस तरफ, इसमें आपने पैरेलली सबने अपनी बाइक्स ऐसे करके वन बाय वन साइड में खड़ी करनी है। जैसे ये एक बाइक खड़ी है ना, ऐसे ही सबको मेन स्टैंड पे ये बाइक खड़ी करनी है ऐसे इस तरफ। ये एक लाइन पहले पूरी कंप्लीट होगी, उसके पीछे दूसरी लाइन कंप्लीट होगी, ऐसे ही दो लाइन इधर लगेंगी। बीच में से हमारा जो है आने का रास्ता छोड़ा जाएगा बाइक का। सामने हमारा स्टेज होगा जहाँ पे अमरीक सुखदेव का आप मेन बोर्ड देख रहे हो, वहाँ पे हमारा स्टेज लगा होगा जिसकी पूरी चौड़ाई 24 फुट की है और आगे 15 फुट तक आया हुआ है। सो जिसको इवेंट, जिसको परफॉर्मेंस करनी है, वो अकॉर्डिंगली अपना जो परफॉर्मेंस है वो सेट करें, ठीक है। जब गाइज हमारी ये पूरी पार्किंग फुल हो जाएगी, सबसे पहले ये पार्किंग फुल होने के बाद, जब ये पार्किंग फुल हो जाएगी तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ तक इसका ये एरिया है। इसके बाद सामने का जो एरिया दिख रहा है ये रोड क्लोज है, वो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो रोड क्लोज है। तो यू कैन सी दैट वहाँ पे ट्रक खड़ा है, तो वहाँ से लेके और ये पूरा रोड सामने सामने के एरिया में, इसके बाद आपको ये पार्किंग जो है, बाकी जो बाइकें बच जाएंगी वो पार्किंग अपनी यहाँ करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, मेन रोड पे नहीं लेके आएंगे। और प्लीज़ हम लोग ये बता दें कि ये पार्किंग पूरी की पूरी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, चाहे वो अंदर खड़ी है या बाहर खड़ी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्लीज़ गाइज, हमारा पूरा इवेंट जो है पूरा सेट हो चुका है और अब इसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं है हमारे एंड पे। प्लीज़ 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 सारे एडमिन, सारे ग्रुप भी ये वीडियो देखे, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग कोऑपरेट करें इस इवेंट को डिसिप्लिन मैनर में और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए आप सब लोगों की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो गाइस, मिलते हैं फिर 12 तारीख को सुबह 6:30 बजे तालकटोरा स्टेडियम, और ये हमारा वेन्यू है, यहाँ पूरे अरेंजमेंट्स आपके लिए हैं। सनी भाई, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैसेज यही है कि अपने ग्रुप के साथ आओ और अपने ग्रुप के साथ वापस जाओ, और जब वापस भी जाओ, और हर एडमिन से मैं बात बोलूँगा कि जो बंदा वापस जा रहा है उसको जैसे आप लेकर आए हो वैसे ही लेके जाओ यहाँ से। जब आप यहाँ से रोड क्रॉस करोगे तो ध्यान से करो, इतनी जल्दबाजी नहीं है हमारे को, प्यार से करो। और गाड़ी जो उनकी पार्किंग है वो यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे फुल होगी, अगर यहाँ फुल हो गई तो फिर हम जो सेट रोड बंद है वहाँ पे लगवाएंगे। बाकी ये बात ही बोलूँगा कि अपने साथ कुछ ना कुछ नीचे बिछाने के लिए कोई चीज ले आइए ताकि आप आराम से बैठ सकें। ये फर्श बनता है पूरा ऐसा है बना हुआ है, क्योंकि इसमें कारपेट बिछाना नामुमकिन है और इतनी चेयर्स भी नहीं आ सकती, इसलिए हमने रफ एंड टफ सारा प्रोग्राम किया। IRC की कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी भी तरीके की, हमारा ये काम है हम यहाँ तक आपको सेफ लेके आए। लेकिन अगर आप सोचें कि हम एंड तक भी आपको लेके जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी, जो भी IRC ज्वाइन इस राइड को ज्वाइन करेगा वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आएगा, अपनी जिम्मेदारी से जाएगा, मैं ये बता। सो गाइस, सी यू ऑन 12th 6:30 तालकटोरा स्टेडियम। गाइस टेक केयर, बाय बाय।